ये वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपके पास आईफोन SE 2 जो है वो है तो आपको जो है वो अच्छी डील मिल सकती है। वो कैसे वो समझना है, बट उससे पहले अगर आपने यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब दुनिया जमाने की चीज़ें नहीं की है तो भाई कर दो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। अब बात करते हैं सबसे पहले आईफोन SE 3 के बारे में। तो यहाँ पर अब ये जो फ़ोन है 43,000 से चालू होता है, 64 GB, 64 GB जो वैल्यूएबल नहीं है। अगर मैं जाऊँ फ्लिपकार्ट पे तो ये जो फ़ोन है वो एग्जैक्टली प्री ऑर्डर पे है और मुझे नहीं पता कि भाई कौन लेने वाला है इस फ़ोन को, बट स्टिल पकड़ के चलते कि भाई ये जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में लोग लेंगे, तो ये चीज़ हो जाती है। फिर बात करते हैं एक्सचेंज ऑफर और क्रेडिट कार्ड का ऑफर। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोटक बैंक का है, ICICI बैंक का कार्ड है तो आपको मिल सकता है 2,000 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट, ये तुरंत माइनस हो जाता है, सो ये चीज अच्छी है। फिर बात करते हैं एक्सचेंज ऑफर के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर अभी देखना है कि भाई क्या आपका फोन है, कौन सा फोन है, वो चीजें देख के चलनी है। बट स्टिल मेरे पास है आईफोन SE 2 तो उससे रिप्लेस कर रहा हूँ, तो 6,750 रुपया मुझे मिलता है, जो मतलब एक अच्छी डील है, बट वो हर किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली मैं टेक एंथुजियास्ट हूँ, मुझे ये चीजें लिटरली एक फोन पे इन्वेस्टमेंट करने में सही नहीं लगती है, क्योंकि ये फोन जो है वो पुराना डिजाइन दे रहा है, सारी चीजें मतलब सेम ही है दोनों फोन में, और वो फोन का प्राइस मुझे ऐसा मिले, सो SE 2 से SE 3 में जाना वो मतलब एक वर्थ सेंस नहीं बनता है, सो ये चीज हो जाती है। फिर बात करते हैं आईफोन 12 मिनी के बारे में। तो ये जो फोन है वो एग्जैक्टली मिलता है 64 GB में और ये जो है वो 49,999 से मिल रहा है। और अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो ये आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देता है, वो भी 5,000 के अबाउ की परचेस में। तो ये जो है वो आपको मिलता है समवेयर अराउंड 49,249 रुपीज से। और अगर आप जाते हो उसके एक्सचेंज ऑफर में, मेरे फोन से अगर आप एक्सचेंज करते हो तो ये जो है वो आपको मिलता है 42,499 रुपीज से। और मैं जो हूँ लिटरली दिल में खुश हो गया कि भाई ले लेते फोन अच्छा है, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं जो हूँ वो एक अच्छा एसेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, ना कि मतलब ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ सेंस बनना चाहिए उस चीज का। सो मैंने वहां पर थोड़ा होल्ड कर लिया। और मैंने यहाँ पर क्या किया कि भाई और सर्वे किया और चीजें चेकआउट की। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, दुकान पे गया, टीवी देखा, फिर वहां पर मैंने एड देखी जो मतलब मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगी। और ऊपर से एक और बात बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन है नहीं, सो वो चीज समझ के चलनी है, बट स्टिल वो कितना मिला, कैसे क्या हुआ, वो एक अलग वीडियो में आएगी बातें। और ऊपर से एक और बात भी है, मुझे ये एक्सचेंज ऑफर नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे रीसेलिंग पे, सो वो चीजें समझ के चलनी है। और ये बहुत ही अच्छा ऑफर है अगर आपको लेना है, सो मेरे हिसाब से आईफोन 12 मिनी इज अ क्लियर डील, वो ले लो भाई, अच्छा रहेगा पुराने आईफोन से एक्सचेंज करके। सो ये सारी चीज़ें समझ के चलनी है क्योंकि ये जो है वो 36,000 में हमें पड़ा है फोन, 31,000 तक मिला भी है, सो ये जो फोन है वो हमें समवेयर अराउंड 28 में मिल सकता है, सो वो भी देखने वाली बात है। सो ये चीज़ हो जाती है। फिलहाल में आपके इस पे क्या थॉट्स है, लेट मी नो इन कॉमेंट्स बिलो। सो अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट, पीस।